नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। एक बार फिर शुरू हुआ ट्रैफिक पुलिस का अतिक्रमण विरोधी अभियान। कई समय से देखने में आ रहा है कि अतिक्रमण करने वालों ने अपनी जगह पर तो अतिक्रमण कर ही लिया है, साथ ही वाहन पार्किंग न होने की वजह से कई गलियां और मोहल्लों के रास्ते तक बंद हो गए हैं। इसी के चलते कई बार नौबत तो लड़ाई झगड़े तक की आ जाती है। कुछ दिन पूर्व भी एक मामला देखने में आया था, जब प्रकाश टॉकीज गली में एक दुकान मालिक ने वाहन के ड्राइवर को बुरी तरह से पीट डाला था। बात समझ से परे है कि गुना में जब पार्किंग की कोई सुविधा प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है, तो आखिर ग्राहक अपनी गाड़ी कहां खड़ी करें? क्या ट्रैफिक महकमे को यह नहीं करना चाहिए कि चालान दुकानदारों का काटे, ना कि वाहन मालिकों का, जिससे दुकान वाले आगे से पार्किंग की जगह छोड़ दें? कार्रवाई करी हो, कितनी गाड़ियाँ आज हार्ट रोड पर और HDFC बैंक को AB रोड पर जो भी पार्किंग में असुविधाएं, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो वाहन खड़े नहीं किए गए थे, उनके खिलाफ उनके वाहन उठाकर थाने पर लाया गया है। संख्या में करीब 10 वाहन हैं और इनके खिलाफ नो पार्किंग के अंतर्गत चालान का कार्रवाई की जा रही है। सर, ऑटो पर भी कार्रवाई की गई है? हार्ट रोड पर भी की गई है। जो रेलिंग के साइड में गाड़ियाँ बाइक खड़ी थी, उनको लेकर लाया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज हनुमान चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। अमरनाथ यात्रा के एक विभत्स हादसे के विरोध में आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका। वहीं केशव शर्मा ने आह्वान किया कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं और जिस भाषा में आतंकवादी समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब भी दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ यात्रियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 9 हमारे हिंदू श्रद्धालु जो बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने आए थे, उनका देहांत हो गया, देहावसान हो गया। इस कृत्य की, निंदनीय घटना की हिंदू जागरण मंच घोर विरोध करता है। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, अब समय आ गया है इन आतंकवादियों को इनकी भाषा में जवाब देने का। जो भाषा ये समझते हैं, उस भाषा में हमें इनको जवाब देना है। अब हम भारत माता के सपूतों से आह्वान करते हैं, हम भारत माता की वीर पुरुषताओं से आह्वान करते हैं कि वो माँ जीजाबाई का रूप धारण करें और आगे आकर स्वयं अपने हाथों से अपने वीर शिवाजी जैसे पुत्रों को तलवार भेंट करें। जैसे भारत माता के ये दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन हैं, इनको करारा जवाब मिल सके, इनको हम मौत के घाट उतार सकें। ऐसी भारत माता की वीर शिवाजी महाराणा प्रताप रूपी पुरुषों को, युवाओं को आगे आना होगा। और अब समय आ गया है इस भारतवर्ष से नहीं, अपितु समूचे विश्व से हम आतंकवाद का संहार करें, आतंकवाद का नाश करें। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज हुई बैठक संपन्न।
इस बैठक का आयोजन मुख्य मुद्दों को लेकर हुआ था, जिसमें पहला था अमरनाथ में हुई आतंकवादी घटना का विरोध, साथ ही इस घटना के विरोध स्वरूप पुतला दहन करना, साथ ही साथ सरदार सरोवर के विस्थापितों को बारिश में सर छुपाने की जगह मिल जाए इसके लिए विचार करना, आप पार्टी के नई कार्यकारिणी का गठन होना था। कई दिनों से इस कार्यकारिणी के गठन के सुखबुगाट क्षेत्र में देखी जा रही थी, जो कि आज की बैठक के बाद प्रमाणित भी हो गई है। बताएं आज ये बैठक आयोजित की है, ये बताएं किस मामले को लेकर। आज की बैठक वरिष्ठों ने जो जिला कार्यकारिणी बनाई है उस संदर्भ में है। दूसरी, सरदार सरोवर में जो बांध में पानी छोड़ा जा रहा है वहाँ के विस्थापित जो व्यक्ति हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनके लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी बरसात में 20 दिन में वो कहाँ जाएंगे उस संदर्भ में रखी। तीसरी, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया उसका पुतला दहन किया जाएगा उस संदर्भ की है। बाकी की हम आज नई कार्यकारिणी पुनः गठित करेंगे, पूर्व से जो भंग हो चुकी है अब नई आज से चालू करेंगे। आपका नाम? दिनेश रघुवंशी, जिला संयोजक आम आदमी पार्टी गुना। आज नगरपालिका में फिर से रही हंगामेदार परिषद की बैठक। परिषद में कांग्रेसी पार्षदों की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए, जिसे पहला मुद्दा पानी के बिल को लेकर था, जिसका नगरपालिका अध्यक्ष ने पहले कहा था कि बिल को 100 रुपए किया जाएगा, इस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने बिल ज्यादा आने के कारण बताए। आगे भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिल को कम भी किया जाएगा। दूसरा मुद्दा था हनुमान टेकरी को लेकर, जिसमें एक पार्षद ने नगरपालिका अध्यक्ष से पूछा कि वे आखिर हनुमान टेकरी पर करना क्या चाहते हैं, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि वे टेकरी सरकार की परिक्रमा तैयार करना चाहते हैं, जिसका प्रस्ताव वे शासन को भेजेंगे। वहीं इस हंगामेदार परिषद के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के आह्वान पर सभी पार्षदों ने मिलकर अमरनाथ में हुए आतंकी हमले में शहीद सभी दर्शनार्थियों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही भाजपा एवं नगरपालिका के कुछ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। 100 रुपए का नल का बिल वसूला जाएगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो 160 ही वसूले जा रहे हैं। इसको पहले हम ये चाहते हैं कि इस पे आप अपना वक्तव्य दें। हम कांग्रेस पार्षद दल की ओर से आपसे ये मांग करते हैं, हमने पिछली बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने विषय दिया था और हमने सभी पार्षदों के समक्ष एक बात रखी थी, उपलब्ध करा रहे हैं। पास में अशोकनगर है, ब्यावरा है, पचोर है, सुजानपुर है, साजापुर है, देवास है, 8 दिन में एक टाइम पानी मिल रहा है। हम गुना नगर में हमारे अधिकारी, हमारे सभी पार्षद, सभी पार्षदों के सहयोग से, पूरी मीडिया के सहयोग से हम पानी एक टैंप दे रहे हैं और टैंकर फ्री में हम टैंकर पहुंचा रहे हैं। और मैं आपकी बात पे सहमत हूं, आने वाले कल में अब जैसे ही पानी आएगा अपने एनिकट में, तो हम उसका प्रस्ताव शासन को भेज के स्वीकृत करा के 100 रुपए कर देंगे। अरे आगे बताइए, पढ़िए, कोई चर्चा नहीं होगी एजेंडे से बाहर, कोई चर्चा नहीं होगी एजेंडे से बाहर, कोई चर्चा नहीं। आगे रेलवे स्टेशन का चौड़ीकरण किया जाएगा, आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप बताएं, सिर्फ बताएं, उसके बारे में बात करें और हमारी बात का जवाब देते हैं, हम संतुष्ट हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, अब ये आगे बढ़िए, गाड़ी वाड़ी चल रही है, कोई जो मेंबर एजेंडे की बात कर रहा है उनको संतुष्ट करा दो। एजेंडे के अंदर जो बात है उसमें सीओ साहब पांचों कंसीडर करें, और पांचों जैसे पीआईटी वाला अंदर पहुंचेंगे तभी तो करेंगे। 9वें नंबर पे, अरे 9वें नंबर पे, 3रे नंबर पे थोड़ी सुन लेंगे। पिछली बार आपने बात सुनाया, अरे आपने 3रे नंबर का बंदा चल रहा है, 9वें नंबर का बंदा पहले थोड़ी आ जाएगा। अगला है 12वें नंबर 29 में बात केड़ी पुल निर्माण का प्लान का काफी 70 लाख की वृद्धि प्रसाद की बैठक के बराबर अगला है
परिक्रमा ऊपर बन चुकी है नंबर एक। फिर अगर हनुमान जी की परिक्रमा के बाद में अगर नीचे के मंदिर की परिक्रमा चाहते हैं तो मंदिर की परिक्रमा बन चुकी है। तीसरी, आप पहाड़ी की परिक्रमा चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो इसमें स्पष्ट नहीं है कि आप चाहते क्या है, कौन सी परिक्रमा बनाना था। तीसरी बात यह है कि जब हमारे नगरपालिका प्रक्षेत्र के दायरे से सकतपुर के अंदर में जो आधा हिस्सा आ रहा है तो पहले तो ये तय कर लिया जाए कि नदी नक्शे और आपकी ग्राइट सीमा सदन के सामने रख दी जाए कि आपकी ग्राइट सीमा इस दायरे में आती कि नहीं आती, और नहीं आती है तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा के हम कतई विरोधी नहीं है। लेकिन हमारी नगर पालिका की मूलभूत कार्य सेवा ये है कि मंदिर मस्जिदों के अंदर पैसा लगाना नहीं है। वो तो धर्मात्मा बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, सब दान के ऊपर चलता है। तो इसमें जैन समुदाय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जो कभी भी पता किसी से कोई भोट नहीं मांगता, सब करते हैं। सुनो साहब, ठीक है, इसको स्पष्ट करें आप, अगर स्पष्ट करें प्रस्ताव की शासन को नहीं पहुँचेगा, सदन को घुबरा ना करें। मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि नीचे की पहाड़िया के नीचे परिक्रमा का निर्माण कार्य होगा और ये परिक्रमा ग्रामीण क्षेत्र में आती है। हम इसको शासन को भेजेंगे, शासन स्वीकृति देगा, जब हम इसको फंड लाएंगे शासन से स्वीकृति लाएंगे उसके बाद प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे, ग्रामीण क्षेत्र में है नगरपालिका के दायरे की, हम शासन को भेजेंगे, हम शासन को परिषद से पास कर, मैं आप वीरेन्द्र जी, वीरेन्द्र जी, हम शासन से स्वीकृति कराकर ग्रामीण क्षेत्र में काम करा सकते हैं। नगर पालिका प्रशासन के अंतर्गत हो रहे कामों में भ्रष्टाचार को लेकर आज एक कांग्रेसी पार्षद ने किया नगर पालिका परिषद की बैठक का बहिष्कार। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके इस पार्षद ने आरोप लगाया कि 53 लाख की लागत से बनने वाली मरगटशाला की पुलिया में इंजीनियर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ मिलकर सीमेंट की जगह डस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जिस बारे में पार्षद ने नगरपालिका अध्यक्ष से पहले भी बात की थी, जिसके भ्रष्टाचार के वीडियो भी उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष को पहले ही दिखा चुके थे। साथ ही कांग्रेस का साथ छोड़ चुके इस पार्षद ने यह भी कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष साथ में मिलकर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पार्षद का यह भी आरोप है कि परिषद की बैठक का बहिष्कार उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहां कोई सुनवाई नहीं है, पार्षद को सिर्फ वही बोलना होता है जो नगरपालिका अध्यक्ष चाहते हैं कि वो बोले। आप भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, एजेंडे से बाहर कोई चर्चा नहीं होगी, चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, मुझे अपने अधिकार में बात रखने, आप एजेंडे से बाहर कोई चर्चा स्वीकार नहीं होगी, इंजीनियर खड़े होकर एजेंडे से बाहर कोई चर्चा नहीं होगी, आपको अपने पद से इस्तीफा, एजेंडे से बाहर कोई चर्चा नहीं सुनी जाएगी, चलिए आगे बढ़िए। हनुमान जी से बाहर कोई चर्चा नहीं, हनुमान चौराहे से नानक गेड़ी पोस्ट रेलवे स्टेशन रोड से विद्युत पोल दिल्ली के संबंध में, विद्युत पोल पूरे कौन साइड से करना है, हनुमान चौराहे से लेकर नानक गेड़ी तक 100 फुट की रोड बनाना है, शासन से पैसा आ चुका है, चलिए आगे बढ़िए। बताएं आज आपने ये बहिष्कार क्यों किया? भाई नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, गुना की नगर पालिका के अलावा कहीं चल ही नहीं रहा इतना भ्रष्टाचार, आप उठा के देखो ना, इंजीनियर उसका डस्ट डलवा रहे हैं नगर पालिका के, क्या कर रहा है बताओ आप, माननीय अध्यक्ष महोदय उनसे मिलके चल रहा है, वो खुद डस्ट डलवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय उसमें मिलके नहीं, मैंने जबकि अध्यक्ष जी से बात खुद करी, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मैं दिखवा दूंगा उसे। कौन सी पुलिया का मामला है ये? बरगटशाला की पुलिया का है मामला, बूढ़े बालाजी वाली 53 लाख की। इसमें आज आपने क्या किया परिषद की बैठक में, आपने क्या किया? बहिष्कार करा बैठक का, वैसी बैठक से क्या मतलब है, जब कोई किसी की सुनी नहीं गया तो बैठक से कोई मतलब नहीं गया। आखिर मान ही गए वरुण देव, काफी इंतजार के बाद आज रिमझिम बारिश होना शुरू हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल गए। भारी उमस को देखते हुए पानी की आशंका जताई जा रही थी कि पानी बहुत शीघ्र ही आ जाएगा, पर फिर भी सुबह से मौसम बारिश का होते हुए पानी नहीं दिख रहा था। शाम होते होते बारिश के आगमन के साथ ही लोगों को उमस से कुछ हद तक राहत मिली। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।